यहाँ से 100 किलोमीटर दूर निषाद राज का एक किला है और उसकी खुदाई हुई थी। आज के 1947 से पहले हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को मारकर भगाया था, उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। संविधान बना, उसमें मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, मिलदार, खरोट, कोली सात नामों से हमारा अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट होने के नाते हम लोग ले नहीं पाए। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को हम 5 साल 16 दिन बाद आज़ाद हुए। उससे पहले ही चुनाव हो गया, तो उससे पहले लोग नेता बन गए, उससे पहले अधिकारी बन गए, हमारे आरक्षण को डिस्टर्ब कर दिया। राष्ट्रपति ने लिखा हुआ कि मझवार, केवट, मल्लाह की पर्यायवाची जातियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक शासनादेश जारी किया उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है, उसके अंदर कुमार, प्रजापति आदि हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि मेरे साथ 2000 में आइए, हम आपके आरक्षण का मुद्दा हल करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के राजनीति में आने से पहले निषाद समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई, सड़क पर आवाज़ उठाई। मैंने रेल ट्रैक रोका था, एक हत्या हो गई थी, उसमें हम लोग 302 फर्जी मुकदमे आ गए, उस समय भी हमारा साथ दिए और उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण देंगे, और वो आरक्षण का मुद्दा आज के दिन में दलित भाई को पाने की वजह से 1992 से पहले दलित भाई की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन उस आरक्षण की देन है कि आज उनके यहाँ हाकिम पैदा होते हैं। वही आरक्षण हमें चाहिए जो लिखा हुआ संविधान में है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि 4 साल से उनकी अभी 6 महीने सरकार है, मैं 2 साल से में हूँ, 70 साल मैंने तो सबको दिया है, मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार था, अभी दे दिया, और जल्दी से जल्दी 10% अगर आरक्षण जो नहीं लिखा था उसे लिख लिया, जो मेरा आरक्षण वो दे दें। उसके लिए उन्होंने दिया कि 20 तारीख को एक बैठक अधिकारियों के साथ, मैं बधाई धन्यवाद दूंगा सरकार को कि कम से कम सारे आला अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रीय निषाद पार्टी और समाज का निषाद समाज के जो आरक्षण के मुद्दे हैं, ताल घाट नदी हैं, और इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं पूरे 5 साल के आंदोलन के दौरान, ये सारे वापस हों, तो इसके लिए सारे अधिकारियों ने बुलाए। तो वैसी की एंट्री को कैसे देख रहे हैं? देखो वैसे ही जाके अपना अपने प्रदेश में संभाला, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, यहाँ के लोग राजनीति आराम से करते हैं, यहाँ 9-9 प्रधानमंत्री दिया है, हमेशा यहाँ से देश चलता है पूरा केंद्र। अब यहाँ से 9-9 प्रधानमंत्री दिया हो, वहाँ दूसरे देश का प्रदेश का कोई आदमी आए तो उनका मामला है, वो मुसलमानों के नेता उत्तर प्रदेश में भी हैं, मुसलमानों के नेता अपना वहाँ बने, उनको हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये उनका मामला नहीं जी, ओम प्रकाश भाई के ऊपर मैं क्या करूँ, वो तो अपने मुद्दे से भटक गए हैं, और भर को अनुसूचित जात पासी की उपजाति है, राष्ट्रपति ने रखा था अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए वो पार्टी बनाए थे, आप पिछड़े में बंटवारा मांग रहे हैं, तो मैं उनसे क्या बताऊँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, आरक्षण तो केंद्र और राज्य देगा ना, तो हमें आरक्षण चाहिए तो केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार उसके साथ रहूँगा। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो आपने मांग रखी थी कि आपके भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बनाया नहीं। देखो ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री को, अब विशेषाधिकार है, हम धीरे धीरे लायक हो रहे हैं, अभी हम तो मांग करेंगे ना अपने समाज का, हम अपने समाज की मांग करेंगे, अपने समाज के हिस्से के हक के लिए मांग करेंगे, हम तो अपने आरक्षण की मांग किया था, उन्हें सलाह दिया था कि अगर बना दिया जाए तो बेहतर होगा वोट के लिए, अगर उनको लगता है कि निषाद के बेटे को बढ़ाने से हमारा वोट बढ़ेगा बनाएंगे, आज नहीं कल बनाएंगे, आज के दिन में उनको भारतीय जनता पार्टी को जो भी लगेगा, उनको लगेगा डॉक्टर साहब को डिप्टी सीएम बनाने से फ़ायदा हो तो निश्चित रूप से बनाएंगे, उनको लगता है आरक्षण देने से होगा तो कर देंगे, उन्हें लगता है कि निषाद समाज का हित है मतलब हम उनको साथ ले चलेंगे तो उनकी मांगों को निश्चित रूप से मांगेंगे वो। नजरअंदाज नहीं किया गया क्या आपको? देखो आज 70 साल से नजरअंदाज हम लोग हो रहे हैं, कहाँ नजर, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा करेगी, उन्होंने कहा था आरक्षण करेंगे, आपका मुकदमा वापस करेंगे, आपके तालघाट नदी वापस करेंगे, हमारे मुद्दे तो ये है ना, ये तो मंत्रालय और मंत्री बनना, संतरी बनना, विधायक बनना, ये तो सेकेंडरी है, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम उठी थी कि एक बार संजय निषाद जी और डिप्टी सीएम बन जाए? नहीं नहीं, उनको ये हुआ, हमारे लोग तो सीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम तो उनका है कि डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए, तो आसानी से कम वोट वाले को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाते हैं, तो बड़े वोट वाले के लिए बनाते हैं जल्दी हो जाएगा, तो उसको उनके ऊपर मेरे लोगों को सलाह है, मांग नहीं है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सीटें हम लोगों ने पहले तो 13 जनवरी 2021 को 1 लाख लोग आए, संकल्प ले गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हमें दे दे, जो उनकी इच्छा करे वो सीटें दे दे, मैं उनके ऊपर, हमें आरक्षण चाहिए। पार्टी की लाइन है, पहले आरक्षण हमें चाहिए, हमारा मुकदमा वापस होना चाहिए, हमारे तालघाट रोजी रोटी जो छीन लिया उसका है। तो वही तो सवाल है, अगर आरक्षण नहीं मिला तो फिर 22 में क्या करेंगे? निश्चित रूप से मिलेगा, हमें उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम कौन देगा,
काहे इतना बड़ा 160 सीट कहाँ कमाएगी भाजपा भाई, काहे इतना नुकसान भाई नहीं मिलेगा। उस समय समाज हमारा मालिक है, समाज है, उन्होंने पार्टी बनाई, समाज ने कहा कि चुनाव लड़ो, 2018 लड़ गए, समाज ने कहा 2019 भाजपा के साथ आओ, समाज ने कहा नहीं हम त्रिस्तरीय चुनाव अलग से लड़ जाए, समाज निर्णय है ना, समाज निर्णय उस समय लेगा, अभी क्या कहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।